अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है मेरा बहुत मज़े का है। हमारे पास गेस्ट आए हुए थे, बहुत मज़े का हमने मज़े किए। देखे हम लोग गए बच्चों को लेके आउटिंग पर और वहाँ पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया और मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। फिर इसके बाद बच्चों ने बहुत मज़े की गन वाली गेम खेली, उसका मुझे नाम नहीं आता, बस इसके अंदर अंधेरा होता है और जी आवाज़ में सॉन्ग लगे हुए होते हैं और बच्चों ने वो पबजी टाइप की कोई गेम खेलनी होती है। एक दूसरे के ऊपर ये लेज़र सी लाइट होती है और उससे लेज़र की लाइट से कटने क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर वो लेज़र लाइट लगा कर गन चलाते हैं और फिर उनके स्कोर बढ़ते हैं। और ये बहुत मज़े की थी, इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे साथ हसन खड़ा हुआ था, उसको नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। मैं इनको देख देख के इन्जॉय कर रही थी। जी तो इसके बाद बच्चों ने क्या किया, ट्रैम्पोलिन पे चले गए और वहाँ पर जाकर जो चलना इन्होंने शुरू किया उछल 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 कर इतनी इनकी बुरी हालत हो गई थी कि इतना थक गए थे, इतना इनको पसीना आ गया था, इतनी ठंड थी। और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया और इनके जो पेरेंट्स थे, बच्चे जो अंदर थे, वो इनके पेरेंट्स इनको देख देख के इन्जॉय कर रहे थे और मैं भी बच्चों को देख देख के बहुत इन्जॉय कर रही थी। मेरा दिल करता मैं भी तो, लेकिन मैं जाती तो फिर बेचारे ये हार जाता था, मैं नहीं गई। जी गाइस, उसके बाद फिर हमने मूवी देखी, पंजाबी मूवी, और तो कोई अच्छी लगी नहीं हुई थी। हमने ये वाली मूवी देखी, कैरी ऑन जट्टा 3 थी। इसके बाद हम चले गए जू और जू में हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बहुत अच्छे पैरट्स थे, मकाओ बहुत वैरायटी थी यहाँ पर बर्ड्स की, और मंकीज थे, बहुत ज़्यादा जानवर थे, मोर थे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टर्कीज थी, और बहुत मज़ा आया हमें। ये देखो, ये हमारा नेशनल बर्ड है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं बर्ड, प्यारे मोर हैं। मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया था यहाँ पे, बच्चे भी कह रहे थे, मुझे ज़्यादा मज़ा आया। क्या कहते हैं, कहाँ है? दूसरे टाइप के बंदर, काले मुंह वाले। हाँ मुझे तुम बताना बस, जिसकी लेनी हुई जितने भी हैं। ओके, कितना क्यूट है, मेरे दिल कर रहा है मैं इसको उठा लूं। हे स्वीटी, ये पता कैसे नस्ल लग रही है। वो बैठा हुआ है जो उसमें था ना, कहाँ मुझे इनकी आवाज समझ लगती है। तो क्यों ऐसे बोल रहे हो? कौन हॉर्सेस हैं? ये हैं ज़ेब्रास। ये छोटी सी दीवार है, इसके साथ साथ चलती जा रही हूँ। और ये ज़ेब्रास हैं, खाने का टाइम है, खाना खा रहे हैं सब। बेचारा देखना कैसे खड़ा हुआ है। इसको प्यार कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो याद आ गया, इसको प्यार कर सकते हैं। वो देखो जाली तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आई बैक्स होगा। देखो कितने किस्म के बतख हैं यहाँ पर, वो देखो ब्लैक स्वान भी फिर रहा है इसमें। वाओ सुभान अल्लाह, कितना जिन्होंने तैर लिया है वो इधर है। ये हमारी गाड़ी तो नहीं है दादी, ये ब्लैक है दादी, रुको। ये वो भी है। अपने
गया। ये देखो दादी, ये भी ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। उस बेचारे को क्या हुआ होगा? वो कह रहा मैं नवाज शरीफ, मैं बहुत उदास हूँ नवाज शरीफ को मेरे साथ क्यों मिलाते हैं? वो टाइगर है, मैंने तुम लोगों को लिफ्ट नहीं करानी। आगे चलते हैं यार, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई। चलते हैं। ये अफ्रीकन लायन है। मुझे ना कैसे बैठा हुआ है? हाँ मैं समझ रही थी, उसको गर्मी लग रही होगी। चलें जी, अब ये हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पर, और हसन ने बहुत ज़्यादा सवाल किए और मेरे पास किसी का जवाब था किसी का नहीं था। बहुत इंजॉय किया हसन और मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इनको देते होंगे ना खाना? अब आगे चलते हैं। देखिए देते हैं इनको खाना। ये क्या है? देखिए लंबे लंबे सींगों वाले आईबैक्स, क्या बोलते हैं एरिया? ये कह रहे हैं तुम क्या खा रहे हो, मुझे भी दो। हाथ ना खा दे तुम्हारा बेटा, मैंने तो नहीं खाने। नहीं खा रहे हसन, दूसरे खिलाओ, दूसरे खिलाओ। ये देखें बेंच, जू में बेंच। हे स्वीटी, ये भी खाने के लिए आ रहे हैं। डालो एक डालो। आ जाओ, अब हम जा रहे हैं जू से। इतना प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ है इधर जू का, तो अब हम जा रहे हैं आगे पार्क में, उधर बनाएंगे बाकी भी लोग। क्या खूबसूरत नज़ारा है ये देखें, ये ऐसे है बाहर से जू। जी गाइस, तो अब हम आ गए हैं बच्चों को लेके झूले वाले पार्क में। यहाँ पर बच्चों ने खूब इन्जॉय किया और थके भी हुए थे लेकिन इन्जॉय भी कर रहे थे। और ये देखें, इसके बाद ये हसन भागा जा रहा है भाइयों के साथ। ये इन्होंने एटीवी बाइक्स चलानी थी। झूला और ये एटीवी बाइक्स ये हैं, इसको लेके जाओ। बस है ना टॉय स्टोरी वाला। इसके बाद हसन ने और कासिम ने मिलकर ये जंपिंग वाला झूला लिया, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इस पर इन्होंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। हसन सही गिरे, हसन सही गिरे ऊपर से तीन जी। तो इसके बाद फिर हम वापस घर आ गए। ये हमारी मस्जिद है हमारी कॉलोनी की, और हमें बहुत मज़ा आया, हमने आज बहुत इन्जॉय किया। सुबह के टाइम गए थे, हमें शाम हो गई बल्कि रात हो गई, और हमने बहुत इन्जॉय किया और मेरा व्लॉग अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।